कोटवारों ने लिया संकल्प, एक पेड़ मां के नाम। एसडीएम ब्रजेंद्र यादव के नेतृत्व में 2 बीघा जमीन की हुई तार फेंसिंग। कोलारस का तहसील प्रांगण आगामी समय में हरियाली से लहराने वाला है, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका पूर्व एसडीएम ब्रजेंद्र पाठक की रही। एक पेड़ मां के नाम के समय पूर्व एसडीएम यादव ने 142 कोटवारों को संकल्प लिया कि सभी एक एक पेड़ रोपण करेंगे। एसडीएम ब्रजेंद्र यादव ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार सभी कोटवारों से एक पेड़ मां के सहयोग का संकल्प कराया था। बुधवार को खुद पूर्व एसडीएम यादव कोलारस तहसील प्रांगण पहुंचे और यहां खाली पड़े 2 बीघा जमीन पर पक्की तार फेंसिंग कराई, जिसमें कोटवारों ने ही यादव के निरीक्षण में पूरा श्रमदान किया। इस अवसर पर सभी कोटवारों में खुशी देखने को मिली। पूरा प्रशासनिक अमला भी देर रात तक इस महा उत्सव में भागीदार रहा। डिप्टी कलेक्टर ब्रजेंद्र यादव, कोलारस एसडीएम अनूप श्रीवास्तव, नायब तहसीलदार शैलेंद्र भार्गव, नायब तहसीलदार सचिन भार्गव, पत्रकारगणों में वरिष्ठ पत्रकार हरीश भार्गव, विवेक व्यास, साकर खान, संजू शर्मा, रोहित बैराग के साथ में समस्त पत्रकारगण मौजूद रहे। आगामी समय में इस प्रांगण में बहुत अधिक संख्या में पेड़ रोपण की योजना है। इनका कहना है, जब से कोलारस एसडीएम पद पर पदस्थ था, तब सभी कोटवारों से मैंने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक पेड़ मां के नाम लगाने का संकल्प कराया था, जो आज पूरा हो रहा है। वास्तव में पौधे का रोपने के लिए जो प्रक्रिया है, एक महीने पहले कोटवार संघ के द्वारा ये निश्चय किया गया था कि जैसा शासन की मंशा है एक पेड़ माँ के नाम, उसके लिए कोटवार भी अपना सहयोग देना चाह रहे थे और उन्होंने हमारे अभी वर्तमान एसडीएम श्रीवास्तव जी, हमारे जो नायब तहसीलदार हैं सचिन भार्गव जी, शैलेंद्र भार्गव जी और समस्त जो उनका स्टाफ है, उन सबसे चर्चा करने के बाद आपस में ये निर्णय हुआ था कि यहाँ एक अच्छी संख्या 121 पेड़ यहाँ पर जो गड्ढे खोदे गए थे, 121 थे टोटल, पेड़ों की संख्या 140 है, किसी किसी में दो दो पेड़ भी लगाए गए हैं। और ये प्रयास किया गया है कि हम शासन की जो मंशा है, हमारा निचला जो राजस्व विभाग का जो अमला है, वो कोटवार भी चाहता है कि हम आगे बढ़कर आएँ और शासन की जो मंशा है, शासन की जो योजना है, उसमें अपना योगदान दें। आगे भी कोई जानकारी देना चाहेंगे दर्शकों को, आगे पेड़ के माध्यम से क्या उनको करना चाहिए? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि शासन जो हमें देता है, शासन का अगर हमारे लिए टारगेट है कि ऐसा करना है, तो उसके लिए हमारा अधीनस्थ का जो निम्नतम अमला है, वह भी अगर चाहता है, तो हर नागरिक को ये सोचना चाहिए कि शासन की मंशा रूप एक पेड़ माँ के नाम के अनुसार पेड़ जरूर लगाना चाहिए, उनकी सुरक्षा भी करनी चाहिए। हमारे कोटवार संघ के जो यहाँ जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये आपस में चर्चा कर यह निर्णय लिया है कि इसको आगे भी न केवल लगाए रहे हैं बल्कि जीवित भी रखेंगे, वो लोग बराबर इसमें सहयोग रहेगा। कल्याण के तहत रोपे गए, देखिए एक्चुअली क्या है, एसडीएम कार्यालय में ये बीच का जो स्पेस था, ये विशेष रूप से पेड़ पौधों के लिए सुरक्षित करके रखा गया था। तो आज पूरा जो तहसील का स्टाफ है, मतलब तहसीलदार, नायब तहसीलदार, आरआई पटवारी, और अच्छी बात यह है कि मैक्सिमम कोटवार भी जो हमारी टीम के महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये लोग सब उपस्थित हैं। और पुराने अधिकारी जो यहाँ से अभी गए हैं, आदरणीय यादव साहब, वो भी उपस्थित हैं। उन इन सब लोगों की उपस्थिति में और टीम वर्क करते हुए इसकी तार फेंसिंग बाउंड्री करा करके और यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे रोपे गए हैं, सभी अच्छे फलदार हैं, शो के भी पेड़ हैं, ये सारे पौधों को रोपण किया गया। तो सर लगभग कितने पौधे रोपे होंगे? अभी अनुमान बहुत सारे हैं, अभी एग्जैक्ट संख्या तो नहीं, फिर भी 100 के आसपास पेड़ अभी लगा रहे हैं और जैसी गुंजाइश होती है फिर और बढ़ाएंगे।